नमस्कार, डी लाइव न्यूज की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, रुक जाना नहीं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने तमाम बोर्ड परीक्षा के तमाम विद्यार्थियों को एक बड़ी सौगात देते हुए रुक जाना नहीं इस नारे को बुलंद किया है। अब मध्य प्रदेश के तमाम बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए एक और सुनहरा मौका देने जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार, और माध्यमिक शिक्षा मंडल लगातार छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए सुनहरे कदम पर अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। सीधे तौर पर बात करेंगे, आखिर ये पूरा मसला है क्या और रुक जाना नहीं ये खास प्रोजेक्ट कैसे तैयार किया है मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय ने, ये बता रहे हैं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी। आइए देखते हैं दीपक जोशी का क्या है सीधा जवाब। तो ये पता चलता है कि रुक जाना नहीं, जो हमारे बच्चे छात्र छात्राएं 12वीं और 10वीं परीक्षा में कुछ कारणों से या तो अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर सके या पूरा का ही या फेल हो गए, ऐसे बच्चों के लिए राज्य ओपन बोर्ड जो हमारा है उसके माध्यम से हम फिर से उनकी परीक्षा उसमें वो फॉर्म भर दें। ऑनलाइन हमारी अभी वो खुला हुआ, लाइन खुली हुई है, वो उस पर आवेदन कर दें, हम उनको दोबारा से परीक्षा में इनरोल कर लेंगे। इनरोल होने के बाद अगर वो परीक्षा में पास होते तो उसकी परीक्षा की मार्कशीट की वैल्यू वही है जो हमारी बोर्ड की परीक्षा की वैल्यू है। इसलिए बच्चों को एक बार फिर से चांस देने के लिए हमने एक बेहतरीन कदम उठाया है, और इसके माध्यम से उन सब छात्र छात्राओं को जो कहीं न कहीं नंबरों में पिछड़ गए, कहीं न कहीं फेल हो गए, उन सबको दोबारा बैठने का मौका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य ओपन बोर्ड के माध्यम से दिया जा रहा है। वैसे बोर्ड पहले से भी संचालित था, बहुत से लोगों को प्रचार प्रसार का अभाव था या कुछ कारणों से उसमें नियम में कुछ इस प्रकार की बातें थी जिसके कारण काफी संख्या में बच्चे नहीं बैठ पाते थे, लेकिन इस बार बच्चों को दोबारा से मौका देने के लिए हमने एक नई योजना की शुरू की है, और इसके माध्यम से मैं सभी छात्रों से अपील भी करता हूँ कि वे एक बार फिर से इस मौके को अपने शिक्षा भविष्य के साथ जोड़ते हुए इसमें प्रयास करें कि वे परीक्षा में बैठ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार आत्महत्या के बढ़ते मामलों को कहीं ना कहीं यहाँ पर दृष्टिगत रखा गया है, चिंता में है प्रदेश की सरकार। मध्य प्रदेश में लगातार छात्रों की आत्महत्या के मामलों के बढ़ते आंकड़ों ने मध्य प्रदेश की सरकार को ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया, और माध्यमिक शिक्षा मंडल अब रुक जाना नहीं इस खास प्रोजेक्ट का प्रचार प्रसार करने में जुट गया है। सीधे तौर पर उन तमाम छात्रों को यहाँ पर एक गोल्डन चांस देने वाली है मध्य प्रदेश की सरकार, और कहीं कोई छात्र अपनी जीवन लीला इस वजह से ना समाप्त कर ले कि उसे कम नंबर मिले हैं या वो कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट में जो है फेल हुआ है। अब तमाम फेल हुए परीक्षार्थियों को भी एक गोल्डन चांस देने वाली है मध्य प्रदेश की सरकार। ऐसे में क्या मानना है चौथे स्तंभ का और क्या नजरिया बनता है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डी लाइव न्यूज के विशेष संवाददाता राहुल करैया। राहुल, जरा दर्शकों को ये बता दें कि किस तरह से लगातार चिंता में थी राज्य की सरकार और कैसे रुक जाना नहीं इस खास प्रोजेक्ट की कवायदे जो हैं पूरी की जा चुकी हैं और कैसे ये अब धरातल पर रंग लाने वाली है। देखिए महंत, जब 12th का रिजल्ट आया था माध्यमिक शिक्षा मंडल का, तो उस रिजल्ट आने के 24 घंटे के भीतर ही लगभग 6 स्टूडेंट्स ने जो है सुसाइड किया था, जिनकी वजह अलग अलग थी। किसी के मार्क्स कम आए थे तो कोई संतुष्ट नहीं था उनके नंबरों से, किसी को मेहनत के हिसाब से उसका फल नहीं मिला, उसका परिणाम नहीं मिला, तो अलग अलग वजह उसमें सामने आई थी। आज फिर एक रिजल्ट आ रहा है और बहुत लाखों इसमें स्टूडेंट शामिल हैं। बेहद सोचने वाली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर कुछ है तो ये होती है कि हर बार इस तरीके की घटना होने के बाद ही क्यों प्रयास किए जाते हैं, क्यों शासन आगे आता है, प्रशासन आगे आता, सरकार आगे आती, पहले क्यों नहीं इन चीज़ों को सोचा जाता है कि इतने बड़े स्केल पर लाखों लोग जब इसकी परीक्षाएँ देते हैं छात्र छात्राएँ, और विपरीत अनुकूल परिणाम अगर आते हैं तो इस तरीके की स्टेप लेते हैं, उस समय ये सब चीज़ें नहीं सोची जाती। लेकिन जब इस तरीके के हादसे हो जाते हैं, रिजल्ट होते हैं हाथ में कि 6 स्टूडेंट की मौत हो गई, और तब जाकर शासन जागता है और स्टेप लिए जाते हैं। हालांकि एक नई ये योजना का जो शुभारंभ किया गया है, एक तरीके से उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं हताशा या दबाव में हैं और कुछ गलत स्टेप ले लेते, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये कारगर से तो हो सकता है, लेकिन जायज़ सी बात है और सोचने वाली बात है कि इस तरीके की स्टेप आखिर पहले क्यों नहीं ली जाती। अगर पहले इस तरीके की स्टेप ली जाएंगी तो हो सकता है कि जो आंकड़े आ रहे हैं मौत के और सुसाइड के, उनमें कुछ हद तक भी अगर कमी आती है तो मैं समझता हूँ या ऐसा महसूस किया जा सकता है कि सरकार कुछ हद तक इस दबाव को कम करने में सफल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार प्रदेश भर के
तमाम जिलों से ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं, समाज में कहीं ना कहीं मानसिक दबाव का यहाँ पर जो है सामना करना पड़ता है तमाम परीक्षार्थियों को, और ख़ास तौर पर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के परीक्षा नतीजों के बाद तो जैसे ही इन आत्महत्या के आंकड़ों में इजाफा होने लगता है, और तमाम छात्रों को यहाँ पर एक बेहतरीन काउंसलिंग की ज़रूरत है। अब इसी काउंसलिंग पर ध्यान दे रहा है मध्य प्रदेश की सरकार, और ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश का शिक्षा मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा मंडल को इसके लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। पूरे मामले में क्या कुछ है और राजधानी भोपाल में क्या हलचलें चल रही हैं, इसकी जानकारी हमें देने के लिए जुड़ रहे हैं डी लाइव न्यूज़ के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे। पीयूष, जरा दर्शकों को ये बता दें कि कैसे रुक जाना नहीं, ये एक बड़ा नारा यहाँ पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बुलंद किया है, और कैसे इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। जी देखिए, बिल्कुल महेंद्र जी, ये वाकई में एक बड़ा फैसला है, और जिस तरह से राज्य सरकार ने रुक जाना नहीं ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों में उम्मीद की किरण जागी है जिन्हें कहीं ना कहीं बोर्ड की परीक्षाओं में जो है वो असफलता हाथ लगी थी। बात की जाए तो जैसे ही 12वीं बोर्ड MP बोर्ड के रिजल्ट सामने आए, उसके बाद में लगातार जो है वो बच्चों में कहीं ना कहीं इस तरह की जो है वो घटनाएँ सामने आने लगी, और आत्महत्या जैसे कदम जो है वो बच्चे यहाँ पर बढ़ाने लगे। लेकिन राज्य सरकार के सामने जब इस तरह के मामले सामने आए, और जब मंत्री पारस जैन और राज्य मंत्री दीपक जोशी से जब डी लाइव न्यूज़ की चर्चा हुई, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सीधे तौर पर ऐसे बच्चों के लिए लॉन्च किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं परीक्षा में असफल हो गए, और अब बच्चों को दूसरा मौका यहाँ पर मिलना चाहिए। जिस तरह से हम लोग बात करें तो 12वीं के नतीजे सामने आए, हालांकि परसेंटेज पिछले साल के मुकाबले इस बार ज़्यादा रहा, लेकिन बावजूद इसके कई बच्चे ऐसे थे जिन्हें जो है वो परीक्षा में जो है वो यहाँ पर असफलता का सामना करना पड़ा। लिहाजा जो है वो कई बच्चों की मानसिक स्थिति इस तरह की बनी कि उन्होंने जो है वो आत्महत्या जैसे जो है वो कदम यहाँ पर बढ़ा दिया। बात की जाए तो टीकमगढ़ में पिछले दिनों जो है मामला सामने आया, सीहोर जिले में भी पिछले दिनों एक मामला सामने आया, और हाल ही में इंदौर जिले में भी जो है वो बच्चे की आत्महत्या का यहाँ पर मामला सामने आया है। तो ऐसे में जो बोर्ड परीक्षा जैसी जो है वो कठिन परीक्षा को जब की चुनौती जब सामने आती है और बच्चे कहीं जो है वो इसमें असफल होते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार का ये जो कदम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सराहनीय माना जा रहा है। रुक जाना नहीं है प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए यहाँ पर बच्चों में एक बार फिर से हौसला यहाँ पर बढ़ाने का काम किया जा रहा है, और इसी महीने यानी कि मई के महीने में ही जो है वो MP ऑनलाइन के ज़रिए सीधे तौर पर बच्चे जो है वो इस परीक्षा के लिए फिर से जो है अपने फॉर्म दाखिल कर पाएंगे, और उसके बाद में जून माह में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। साफ तौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से बोर्ड परीक्षा का जो है वो जब समय आता है, जब नतीजों की बारी आती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे जो फेल हो जाते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये चुनौती भरा समय रहता है, और साल उनका बर्बाद नहीं हो, पूरे साल की मेहनत कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं अगर बात करें तो कुछ 2-3 सब्जेक्ट्स में अगर फेल हो जाते हैं तो ऐसे में उन्हें फिर से जो है वो पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला है जिसके ज़रिए राज्य सरकार बच्चों में फिर से हौसला बढ़ाने का काम कर रही है, और जिस तरह से जो हम लोग बात करें, इस प्रोजेक्ट का नाम ही दिया है कि रुक जाना नहीं, यानी कि साफ तौर पर इस प्रोजेक्ट का नाम इसी तरह से दिया गया है जिससे कहीं ना कहीं बच्चे फिर से आगे बढ़ पाए। हालांकि बात करें तो जिस तरह से हम लोग इसके दूसरा पहलू पर जाएं, तो साफ तौर पर यह बात साबित होती है कि बच्चों के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके सरकार जो है उनकी हौसला अफजाई ज़रूर कर रही है, लेकिन बावजूद इसके स्कूल शिक्षा स्तर का जो है यहाँ पर स्तर को बेहतर बनाने की भी यहाँ पर ज़रूरत महसूस की जा रही है। बहन जी, जिस तरह से बात करें तो पिछले साल के मुकाबले हम लोग बात करें तो इस साल भी रिजल्ट्स बहुत अच्छा रहा, लेकिन बावजूद इसके बच्चे जो फेल हुए हैं उनका परसेंटेज भी यहाँ पर जो है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। जिस तरह से बात की जाए तो यह कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। जिस तरह से हमने जो है वो राज्य शिक्षा मंत्री दीपक जोशी से बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इसको लेकर भी सरकार जो है वो गंभीर है, और स्कूल के शिक्षा स्तर, खास करके बोर्ड परीक्षा जो एक कठिन चुनौती होती है, उन चुनौतियों को पार कैसे स्टूडेंट्स करें और कैसे परीक्षा में अच्छे अंक लाकर जो है वो अपने करियर में आगे बढ़े, इसको लेकर भी सरकार पूरा जोर दे रही है। लेकिन रुक जाना नहीं एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके जरिए ना सिर्फ बच्चों को अपने पूरे साल बचाने का मौका मिलेगा, बल्कि वे जो है वो इस चीज़ को समझेंगे भी, और इस चीज़ को जो है वो पूरी अहमियत भी देंगे कि किस तरह से एक साल उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जब राज्य सरकार उनके लिए कदम बढ़ा रही है तो वे भी अब पूरी तरह से इसमें प्रयास करें, और जिस तरह से इस पूरे मामले में अब राज्य सरकार की जो भूमिका है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी अहम मानी जा रही है। चलिए, जाते जाते हम भी यही कहेंगे कि रुक जाना नहीं कहीं तू हार के। जी हाँ, यहाँ पर जीवन में बहुत सारे पड़ाव हैं, बहुत सारी उपलब्धियाँ
हासिल करना अभी बाकी है। इसीलिए डी लाइव न्यूज़ की भी अपील है तमाम परीक्षार्थियों से, छात्रों से, छात्राओं से, कि वो अपने रिजल्ट को लेकर ज़रा भी चिंतित ना हो और किस तरह से वो अपने जीवन में महज अंकों के पीछे ना दौड़ें, महज नंबरों के पीछे ना दौड़ें, बल्कि अपने आप को इस तरह से काबिल बनाएं कि कामयाबी के कहीं ना कहीं आपके कदम चूमें। डी लाइव न्यूज़ की इस खास पेशकश में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए डी लाइव न्यूज़। नमस्कार।